देखिए अब हम आगे पहुंचे हैं, शांति एक्सप्रेस में हम हैं। सबसे दुख बात है, देखिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, लेकिन अगर एक भी एमएलए और एमपी जो भी है, अगर एक बार भी रिजर्वेशन बॉगी में और पैसेंजर बॉगी में जाने से वो लोगों को पता होगा, वही रुपया लेते हैं जितना रिजर्वेशन वाला, और वेटिंग वाले के भी वही उतने ही रुपया। लेकिन कितना तकलीफ होता है, आप मेरा पास देखिए, जो ओल्ड एज पर्सन है कितना तकलीफ होता है। भाई आपका नाम क्या है और आप क्या चाहते हैं, क्या बोलने के लिए चाहते हैं, बोलिए। हम बोलना चाहते हैं कि बहुत तकलीफ होता है, नीचे में बैठ के जाते हैं उतने एक ही पैसा दे के, वेटिंग रह जाता है तो नीचे में जाने पड़ता है, आदमी इधर से मारता है उधर से मारता है, ऐसे जाता है ऐसे जाता है, हटो भाई भागो भाई। मेरे पास पैसा है, फ्लाइट में सीट अवेलेबल होता है, और हम लोगों को पैसा भी देते हैं, लेकिन क्यों सीट बढ़ाता नहीं है सरकार, क्यों आज तक कोई भी इस सवाल पूछा है क्या? पूछेगा किस लिए, हम लोग गरीब को कौन पूछता है? तो आप बोल रहे हैं क्या, जो एमएलए एमपीज होते हैं एक बार गरीबी के लिए ऐसे स्लीपर क्लास में जाने से वो लोगों को पता होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा नहीं, एकदम जरूरी है, वो लोग तो सब जानता है मगर बढ़ाता नहीं है, करता नहीं है, हम लोग कैसे छोड़ देता है, जो सारा जाता है जाता है, जाओ। तो आप क्या जो भी प्रधानमंत्री देख रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर देख रहे हैं, वो लोगों को क्या बोलने के लिए आप चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं इसमें कि यदि दो बोगी इसमें बढ़ा देता तो आज कितना आदमी को सुविधा होता, इसमें तो बोगी कम है, आदमी को तकलीफ हो रहा है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से जर्नी कर रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे, कितना दिन आप इतना बुढ़ा हो गए हैं यहाँ पर बैठ के ही जा रहे हैं, कितना तकलीफ हो रहा है आपको? तो जितना बार आए हैं ऐसे नीचे में बैठ के जाते हैं। आप कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं? हम बिहार से आ रहे हैं, हम बेंगलोर जा रहे हैं। बेंगलोर जा रहे हैं, ये कितना दिन का रास्ता है, और सोने के लिए भी आपका टाइम नहीं है, तो कितना तकलीफ होता है, गरीब का दुख गरीबी होता है। ये 3 दिन का रास्ता है, 3 दिन हो गया है आज। तो आप ये बात अब 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है, अगर सोशल मीडिया में कोई भी देख रहा है तो ये बात आप बोलने के लिए चाह रहे कि नहीं, गरीब के लिए अगर आप कुछ करने के लिए चाहते हैं तो पहले आओ, गरीब का साथ रहो, उसका बात ही आप लोगों को कर पाएंगे। हाँ, ये तो नहीं, ऐसे तो होगा नहीं। वो लोगों जो भी विधानसभा में की और पार्लियामेंट में, अगर वो लोगों गरीब का दुख मालूम होने से तो करेंगे वो सब। ये तो सही बात है। आदमी लोग इधर बैठे हैं, देखो कितना तकलीफ से बैठे हैं, कितना कष्ट से बैठे हैं, लेकिन सरकार कोई भी सोचता नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए, गरीब गरीब ही रहता है और धनी अमीर आदमी अमीर ही होता है। तो इसलिए हम ये बात बताने के लिए चाह रहे हैं सरकार को, अगर आप गरीब के लिए चाहते हैं तो बढ़ाइए रेल और दो बोगी, जहां जितना टाइम में भी अवेलेबल होना है, कल जाना है तो करिए। अगर गरीब जब तक अच्छा से जिंदगी जी नहीं पाएगा तो हमारा देश बदलेगा कैसे? गरीबी नहीं हटेगा तो देश नहीं बदलेगा। आप लोगों केवल बोलेंगे गरीबी हटाओ देश बचाओ, ये तो कभी नहीं होगा। आप कभी आए हैं क्या, कभी बैठे हैं क्या? जो रेलवे मिनिस्टर है, रेलवे सेक्रेटरी है, आओ बैठो एक बार, गरीब का दुख भेजो। अभी इलेक्शन आ रहा है, घर घर को जाके सब आप लोगों को भगवान बोलेंगे। कैसे वोट मांगते हैं एक बार दिखाइए, कैसे मांगते हैं? वो लोग तो ऐसे हाथ जोड़ देते हैं, तो आदमी समझ जाता है, चलो भाई इस आदमी को वोट देंगे तो हमारा बढ़िया काम करेगा, मगर कुछ नहीं करता। ये बात स्पष्ट हो रहा है, अगर गरीब को दिल में रखेंगे तो देश बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। आप देख रहे हैं ये चित्र, यही ही सबसे बड़ा मुद्दा है 2024 में। अगर ये काम होने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए चाह रहे तो गरीबी हटाओ, रेलवे में चेंजेस लाओ, बोगी बढ़ाओ। जब तक जिंदगी अच्छा नहीं होगा गरीबी का, देश नहीं बदलेगा। नीतीश कुमार जगत, रायपुर छत्तीसगढ़ से रहने वाला हूँ। अब मैं सरकार से निवेदन है कि मैं चाहता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा साधन जो यातायात के लिए है वो रेलवे है, और इस रेलवे में प्राय गरीब लोग ही यात्रा करते हैं, और विशेष करके जो सेकंड क्लास स्लीपर लोग कई महीने से रिजर्व करके रखे हैं, परंतु उनके सीट उनका कंफर्म नहीं होने के कारण उनको बहुत कष्ट से यात्रा करना पड़ता है, और अंदर में इवन जगह रखने के लिए भी पैर रखने के लिए जगह भी नहीं रहता, और इस प्रकार से उन लोग बहुत संघर्ष करके अपनी यात्रा को करते हैं। सरकार से निवेदन है, या रेलवे से, रेलवे विभाग से निवेदन है, या रेलवे मंत्री से निवेदन है कि इस रेलवे का
उत्तम प्रावधान किया जाए जिसके कि गरीब लोग के लिए साधन सुविधा प्रदान हो सके। धन्यवाद। मेरा नाम विकास है और मैं 2 दिन पहले दिल्ली से मैं बेंगलोर आया था और स्लीपर क्लास में आया था। बहुत दिनों पहले से, महीने पहले से मैंने टिकट बुक की हुई थी और मुझे बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। मैंने देखा कि स्लीपर क्लास जो है वो बिल्कुल जनरल बना हुआ था और वहाँ पर पूरी भीड़ थी और अगर कहूँ तो उसमें सुविधा का कोई भी हमें दिखाई नहीं दिया, उसमें कोई भी एक कण भी दिखाई नहीं दिया। और बड़ी परेशानियों के साथ मैं बेंगलोर तक पहुँचा और मैं चाहता था कि हमारे रेल मंत्री तक, हमारे जो रेल अधिकारी हैं उन तक मैं इस बात को पहुँचा सकूँ। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ ग्लोबल लाइव चैनल का कि उनके माध्यम से मैं इस बात को आप तक पहुँचा पाऊँ, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप तक ये बात को रखूँ। तो मैं आपसे कृपया निवेदन करना चाहता हूँ, जो हमारे रेल अधिकारी हैं, कृपया इस बात पर आप ध्यान दें कि अब जब उसके अंदर जो भी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बाहर आप किसी को वेटिंग जो टिकट देते हैं, वो लोग कहाँ कहाँ बैठकर सफ़र करते हैं और बीच में वो लेट जाते हैं और वॉशरूम तक पहुँचने के लिए भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यदि मैं कहूँ तो कि थोड़ा सा बदलाव लाने की, या अगर आप वेटिंग अगर टिकट दे रहे हैं तो 1-2 बुगी उसमें और ऐड कर दीजिए, तो इससे हम जो असुविधा से बच सकते हैं। देखिए, अब हम आके पहुंचे हैं बेंगलोर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के पास। जो रेलवे के लोगों की कुछ समस्या है गरीब के लिए और मध्यम प्रति के लिए, ये जो समस्या है उस समस्या के ऊपर कुछ बात करने के लिए हमारा साथ झारखंड का आशीष जी है, कुछ बात करेंगे। आशीष जी, हमारे चैनल को आपको स्वागत कर रहे हैं। क्या क्या समस्या आप देख रहे हैं? हाँ, मैं देखता हूँ कि जब भी मैं रांची से बेंगलोर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक तो ट्रेन बहुत कम है और जो हम रांची से आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब हम जल्दी आने का निर्णय लेते हैं और जब हम स्लीपर बॉगी में आना चाहते हैं या जनरल बॉगी में आना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए या अचानक आने वालों की कुछ के लिए कुछ भी सुविधा नहीं रेलवे प्रदान करती हैं। और कई बार मैं टिकट लिया और मेरा टिकट वेटिंग रह गया और कई बार मुझको शौचालय के पास बैठ करके आना पड़ा और इतनी दिक्कत होती है आने में, आपको खड़े खड़े और धक्का खाते हुए आपको आना पड़ता है। तो रेलवे में क्या सुधार लाना पड़ेगा जैसे कि हर आदमी के लिए बहुत उपलब्धि हो पाएगा? तो आप जो रेलवे मिनिस्टर्स हैं, नहीं तो जो मिनिस्टर्स इस रेलवे में काम करते हैं, वो लोग उनको गरीब के लिए, सबके लिए क्या सुधार लाने से अच्छा हो पाएगा, रिजर्वेशन के लिए और जो ऑर्डिनरी कोच है उसके लिए? मैं चाहता हूँ कि सरकार और रेलवे के जो अधिकारी लोग हैं वे लोग इस ओर ध्यान दें कि आम जनता जो है और विशेषकर गरीब जो कि रिजर्वेशन नहीं कर सकता है या जिन लोगों को अचानक यात्रा करना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए सरकार अधिक से अधिक कोच लगाए। सो मैं देखता हूं कि ट्रेन में मात्र 2 अनारक्षित अनरिजर्व कोच रहता है और जिसमें बहुत ही असुविधा होता है लोगों को, और इतना तक कि आजकल जितने भी स्लीपर क्लास के जो कोच हैं उसमें भी जो हालत है वह अनरिजर्व से भी बुरा हालत है। सो स्पेशली जो दूर से जाते हैं, रांची से बेंगलोर और रांची से तमिलनाडु, या जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कोच बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? जी, जरूर बढ़ाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि कोच बढ़ाया जाए, जनरल कोच बढ़ाया जाए, स्लीपर कोच बढ़ाया जाए और ऐसी सरकार व्यवस्था करे कि अचानक आने वालों का, तत्काल का तो एक व्यवस्था है लेकिन करेंट टिकट ज़्यादा बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ यदि आपके पास सीट नहीं है तो ज़रूरत से ज़्यादा वेटिंग टिकट भी ना दिया जाए। यदि आप वेटिंग टिकट दिया जाए तो आपको अतिरिक्त 3-4 कोच अतिरिक्त जोड़ना चाहिए ताकि आम नागरिकों को सुविधा मिल सके। तो अगर वेटिंग टिकट हो रहा है तो सीट भी देने के लिए सरकार को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं? जरूर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सरकार से कि जब आप वेटिंग टिकट देते हो और जो लोग रिजर्व वाले लोग जो पैसे देते हैं उतने वेटिंग टिकट वाले बराबर देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको भी बराबर सुविधा मिलना चाहिए, उन लोगों को भी कम से कम बैठ करके आने की सुविधा मिलना चाहिए उन लोगों को। नाम है स्लीपर कोच, क्या सो के आप आते हैं क्या? अरे भाई, सोने की कौन बात, वहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं, खड़े होने की भी जगह नहीं। आपके होकर वाले लोग, पानी वाले लोग, चाय वाले लोग इतना धक्का मारेंगे कि आप चाह करके भी आप खड़े नहीं रह सकते। बैठने और सोने की बात तो भूल जाओ। कई बार लोगों को 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, क्या 24 से 36 घंटा खड़े खड़े भी आना पड़ता है। आप सुन रहे थे आशीष जी झारखंड से, जो कि यात्रा कर रहे थे बेंगलोर को, ये हमको ग्लोबल टीवी को बताए हैं। सरकार जो वेटिंग लिस्ट दे रहे हैं, अगर वेटिंग लिस्ट दे रहे तो
जाने के लिए सुविधा भी करना पड़ेगा, नहीं तो कोच बढ़ाने से भी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होते हैं, दूर से लोग यात्रा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो गरीब लोग यात्रा करते हैं और जो मध्यवर्ती श्रेणी के लोग यात्रा करते हैं, तो एक बड़ा सुधार लाने के लिए आशीष जी ने हमको बोल रहे थे। ग्लोबल टीवी इस मुद्दा को फिर उठाएगा अगर सरकार इस मुद्दा को कुछ सुविधा नहीं देने से। बेंगलोर से अमोद कुमार बर्धन को रिपोर्ट, ग्लोबल टीवी लाइव 24/7।